अपडेट स्पॉन्सर्ड बाय जवाहरलाल नेहरू कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी रीवा। एडमिशन्स ओपन नाउ। एड्रेस नियर बाईपास क्रॉसिंग रतहरा रीवा। नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ स्वाति। सतना जिले के मैहर के घुरपुरा में शासकीय स्कूल की छत का हिस्सा गिरने से 2 छात्र घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए मैहर के सिविल अस्पताल लाया गया है। आपको बता दें, दोनों छात्र कक्षा 5वीं में पढ़ते हैं, जिनका नाम सुभाष कोल और शारदा कोल बताया जा रहा है। आपको बता दें, मैहर शासकीय विद्यालय में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया जब स्कूल की छत का छज्जा टूट कर गिरा, जिनमें से 2 छात्रों को चोट आई है, जिन्हें मैहर के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों छात्र कक्षा 5वीं में पढ़ते हैं। इस पूरी घटना में स्कूल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही भी निकल कर सामने आ रही है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में ऐसे कई विद्यालय हैं जो जर्जर स्थिति में हैं, इसके बावजूद बच्चे वहां पढ़ने के लिए मजबूर हैं। हाल ही की बात करें तो ऐसे विद्यालय जहां की छतें टपक रही हैं, बच्चे छाता लगाकर पढ़ने को मजबूर हैं। प्रदेश सरकार शिक्षा स्तर में सुधार की बात करती है, विकास की बात करती है, लेकिन आज भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। बच्चे अपनी जान को जोखिम में डालकर स्कूलों में पढ़ रहे हैं। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मैहर जनपद पंचायत उपाध्यक्ष विकास त्रिपाठी मैहर हॉस्पिटल पहुंचे और घायल बच्चों का हाल जाना है। आइए सुनते हैं मैहर जनपद पंचायत उपाध्यक्ष को पूरे मामले को लेकर उनका क्या कुछ कहना है। शारदा वार्ड अंदर आइए। हाँ, मामला क्या हुआ, कितने लोग चोट आई, कितने बच्चों को चोट आई है? अभी ये हमारी जानकारी में आया है, वही बच्चों को देखने मैहर अस्पताल अभी हम आए हुए हैं। 2 बच्चों के चोट है, दोनों सगे भाई हैं, वो अब तो ठीक हैं। उनके एक के 7-8 टाँके और दूसरे के 1 टाँका लगा है, वो ठीक है, उन्हें कोई खतरा नहीं है। और हमने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बात भी की है कि जहाँ भी ऐसी जर्जर बिल्डिंगें हैं वहाँ पे बिल्कुल भी क्लास न लगाई जाए, बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए। और जो भी वो बिल्डिंग उसके मरम्मत का है वो भी जल्दी से जल्दी कराया जाएगा। ठीक। अपडेट स्पॉन्सर्ड बाय जवाहरलाल नेहरू कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी रीवा। एडमिशन्स ओपन नाउ। एड्रेस नियर बाईपास क्रॉसिंग रतहरा रीवा।